मंदसौर में माफिया अभियान की धमक एक बार फिर देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन दोबारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने में लग गया है। जी हां, गुरुवार को अल सुबह मंदसौर जिला प्रशासन ने शहर से लगे खेलचीपुरा गांव में सरपंच के बहन के निर्माण को जमींदोज किया है। बताया जा रहा है कि सरपंच इकबाल की बहन मुमताज बी के नाम से शासकीय भूमि पर फर्जी पट्टा बनाकर दो मंजिला मकान खड़ा कर दिया गया था, जो पूरी तरह अवैध था। इस घर में अवैध तरह से बाहरी लोगों की निजी संस्था स्कूल भी संचालित कर रही थी। अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन को मिला, पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरपंच के सानिध्य में पद का दुरुपयोग करके ये कार्य किया गया है। ग्राम खिलचीपुरा में शासकीय भूमि है, जिस पर एक स्कूल का निर्माण कर लिया गया था और ये दो मंजिला मकान का निर्माण था, जिसे विधिवत सुनवाई करके आज आदेश के बाद डिसमेंटल किया जा रहा है। और इस प्रकार से जो भू माफिया द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे थे, उस पर एक ये कार्रवाई की गई। इस पर कोई निजी संस्था जो अपना स्कूल चला रही थी और उससे जो जितने मकान बनाया था उस पर हजारों रुपया किराया भी वसूल कर रहे हैं। इस प्रकार शासकीय भूमि पर वसूली का काम किया जा रहा है, ये देखने की बात है और जांच का विषय है, जो पुलिस द्वारा किया जाएगा। अब हम तो हमारे जो शासकीय भूमि पर कार्रवाई की जाना है भू माफियाओं से छुड़ाने का और शासन के हित में हम भूमि प्राप्त कर रहे हैं। वो प्राइवेट स्कूल है और कहीं शिफ्ट हो जाए। पटवारी का नाम मुझे मालूम नहीं सर। मंदसौर से रविशंकर धाकड़ की रिपोर्ट।